दोस्तों, जब 110 सीसी और 125 सीसी की कम्यूटर सेगमेंट की बाइकों की बात होती है ना, तो ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर माइलेज ही देखते हैं, कलर या फिर जो है डिज़ाइन या फिर फीचर्स इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है माइलेज बाइक से। फिर जैसी जैसी ज़रा ऊपर उन्हें ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए होता है जिन लोगों को, वो जाते हैं 160 सीसी, 100 जो है यहाँ पर 50 सीसी या 200 सीसी की बाइकों की ओर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपाची की 160 जो है आरटीआर जो आती है 4V 4 वॉल वाली स्पेशल एडिशन के बारे में, जो कि काफ़ी कह सकते हैं स्पोर्टी सा लग रहा है इस जो है रेड कलर के जो है यहाँ पर एलॉय रिम्स के साथ में। ग्राफिक्स भी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं और नाइट ब्लैक कलर कुछ आपको कुछ अलग ही दिख रहा होगा ऐसी चमचमाती धूप में। तो फटाफट से इसकी बात करेंगे क्या क्या इसमें फ़ीचर्स दिए गए हैं, नॉर्मल वाली जो इसकी जो है 4V आती है उससे कंपैरिजन में बात करेंगे क्या क्या प्राइस का डिफरेंस है। तो फटाफट से बात करेंगे, सबसे पहले प्राइस का ही जो है बात कर लेते हैं। तो जैसा कि ये स्पेशल एडिशन है तो इसकी जो प्राइस रहती है ना वो भी थोड़ी स्पेशल सी रहेगी, वही 1,31,000 रुपये की इसकी एक्स शोरूम रहती है। और नॉर्मल सबसे अगर इसका जो है बेस लेंगे ना ड्रम वाला, जो कि सिंगल डिस्क आपके के साथ में आता है, पीछे उसमें ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी, तो वो जो है 1,22,000 रुपये की एक्स शोरूम पर आपको मिलेगा। 4 वॉल वाला जो है यहाँ पे 160 अपाची आरटीआर की बात कर रहा हूँ। तो अब इस स्पेशल एडिशन में 1,31,000 रुपये में क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं उसकी बात करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो एक तो ये नया सा आपको जो कह सकते हैं ना कलर थीम मिल रही पूरी, जो कि आप ये देख रहे हैं, और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर ये कलर कैसा लगा ये आपको ये ज़रूर बताएं। ये ब्लैक नाइट ब्लैक कलर और स्मार्ट एक्स कनेक्टेड फीचर्स के साथ में आता है, मतलब इसमें आपको ब्लूटूथ पेयरिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें कि आप ये ऐप डाउनलोड करके कई सारे फीचर्स जो हैं इसके फ़ोन में देख सकते हैं, इसमें आपको सामने भी बताएगा। जैसे ही आप फ्रंट सेक्शन की ओर आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलती है बाइक की, लाइटिंग सेटअप, हेडलैम्प्स पूरी आपको अब DRLs में आपको जो है यहाँ पर दी गई है, यहाँ पे DRLs आ चुकी हैं और लाइटें पूरी LED में रहती हैं। अगर आप देखें पूरा लाइटिंग सेटअप LED में रहता है, अगर आपको जो है यहाँ पर जला के दिखाया जाए तो ऐसी कुछ जो है लाइटें रहती हैं पूरे LED में रहेंगी यहाँ पे, तो लाइटें पूरी LED में दी जाती हैं यहाँ पे। और जो है इंडिकेटर्स, जैसे ही आप इंडिकेटर्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये हैलोजन में दिए जाते हैं, आपको जो इंडिकेटर्स हैं LED में नहीं मिलेंगे, हैलोजन में ही मिलेंगे। और स्मार्ट एक्स कनेक्ट की यहाँ पे स्टिकरिंग मिल जाती है। जैसे ही यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन आपको जो है टेलीस्कोपिक वाले मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे खासे ट्रैवल के साथ में। और जो डिस्क रहती है ये सिंगल चैनल ABS के साथ में आपको यहाँ पर मिलेगी। डिस्क जो है फ्रंट में आपको जो है, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करता हूँ डिस्क की, तो आपको जो फ्रंट में डिस्क मिल रही है वो मिल रही है आपको 270 mm की पेटल डिस्क। और जो है रिम्स कैसे लगे आपको उसके रेड कलर में ज़रूर बताएं आप मेरे को। और ये प्रोफाइल जो रहेगा टायर का 90-90 17 इंच का जो है रहता है, 90 प्रोफाइल की आपको जो है यहाँ पे जो है वाइड से टायर मिलते हैं, TVS के ही टायर रहेंगे। और सामने आपको TVS रेसिंग की आपको जो स्टिकरिंग मिल जाती है और मडगार्ड एक ही टोन कलर में आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। फ्रंट की प्रोफाइल थोड़ी सी अग्रेसिव सी लगती है यहाँ पे अपाचे की, और 4V और 2V दोनों ही काफ़ी जो है फ्रंट प्रोफाइल से काफ़ी प्यारी सी लगती है। जैसी जैसी साइड प्रोफाइल की ओर देखेंगे तो यहाँ पर इतना मेजर नहीं कहेंगे कि ग्राफिक्स का इसमें काम किया गया है, सिर्फ ग्राफिक्स यहाँ पे मिलेंगे वाइट कलर के दिए गए हैं। और TVS का जो है यहाँ पे हॉर्स यहाँ पे आपको जो है यहाँ पर मिलेगा इसका मैस्कट, जो कि कुछ काफ़ी प्यारा लग रहा है। और इंजन की बात करें ना, इसमें आपको रेसिंग मोड भी मिल जाएंगे, प्रॉपर अर्बन जो है स्ट्रीट और जो है स्पोर्ट्स मोड प्रॉपर दिए जाते हैं। और नीचे आपको जो है ये इंजन काउल मिलता है पूरा ब्लैक कलर का मैट में, और इसमें आपको जो है RTFI की स्टिकरिंग और जो है हाइपर एच की भी स्टिकरिंग मिलती है। तो ऐसा कुछ आपको जो है साइड प्रोफाइल मिलती है। इंजन की बात कर लें तो इंजन में जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि इसमें मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स मोड में अगर जो है आप जो है बाइक को चलाते हैं ना तो आपको जो है थोड़ी पावर जो है वो ज़्यादा मिलती है। तो इसमें पावर मिलती है आपको स्पोर्ट्स मोड में 17.55 PS की, वो भी जो टॉर्क मिलता है उसमें आपको 14.73 Nm का मिलेगा। और जैसी आप अर्बन या रेन जो है मोड में स्विच करते हैं तो ये पावर थोड़ी ड्रॉप हो जाएगी, 15.64 PS की आपको पावर मिलेगी यहाँ पे, और जो टॉर्क मिलेगा वो आपको जो है 14.14 Nm का मिलता है। टोटल 5 गियर रहते हैं, 6 गियर इसमें नहीं आते, 5 ही गियर मिलते हैं। KTM की बाइकों में थोड़ा 6 गियर यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन इसमें 5 गियर ही रहेंगे। लेकिन जो पावर है ना, पावर जो है मोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी है। आपको ज़्यादा पावर चाहिए स्पोर्ट्स मोड में कन्वर्ट कर लीजिए, कम पावर चाहिए आपको आपको जो है यहाँ पे अर्बन मोड में काफ़ी ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आपको इसमें थोड़ी माइलेज ज़्यादा बड़ी भी मिल जाएगी। जैसी जैसी साइड प्रोफाइल की ओर आते हैं तो साइड से अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ एक बार इसकी, तो डायमेंशन अगर आप मैं बात करूँ तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी जो है इसका जो पूरा वेट है ना 146 kg का मिलता है, क्योंकि इसके आपको जो है इंजन जैसी आपको थोड़ा
150 सीसी जो है 160 सीसी जो है सेगमेंट की बाइक ये आ जाती है। तो इसमें थोड़ा आपको वेट भी 146 केजी का नॉर्मल जो है यहाँ पर 110 सीसी जो है बाइकों के कंपैरिजन में आपको थोड़ा भारी जो है इसमें वेट मिलता है। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे रियर की, तो रियर में भी आपको जो है यहाँ पर काफ़ी रियर की प्रोफाइल आपको काफ़ी आपको बढ़िया मिलती है। अगर डायमेंशन की बात करें इसका जो है आपको सीट हाइट 800 mm की मिलती है, 800 mm की सीट हाइट मिलती है इसमें पूरी। और जो इसकी आपको व्हील बेस है ना, व्हील बेस आपको जो है अच्छा खासा इसमें जो है 1357 mm का मिलता है, जिससे कि क्या है ठीक ठाक है इस बाइक के अकॉर्डिंग, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। और इसकी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm की दी जा रही है, तो ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से भी थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग आती है तो थोड़ा बहुत पैचेस वो क्लियर हो जाएंगे। और पीछे से आपको मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे इस कलरिंग मैच के साथ में यहाँ पे मिल जाएगा। पीछे आपको RTR 164 भी आपको मिलता है लिखा हुआ। और जैसे आप जो है यहाँ पे सीटें देखते हैं, सीटें आपको जो है डुअल टोन कलर में रेड और जो है यहाँ पे ब्लैक के कॉम्बो में मिलेंगी। और जो है ये TVS रेसिंग की आपको जो है इसमें स्टिकरिंग प्रॉपर मिल जाती है, तो सीटें भी डुअल टोन कलर में बाकी ही में आपको काफ़ी प्यारी लग रही है। पीछे जैसे आते हैं तो आपको पीछे रियर टेल लैंप मिलती है पूरा LED में, काफ़ी प्यारी लग रही है। अगर आप देखें सीट ओपन करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं चाबी से जो है, जैसे कि इसमें इग्निशन चाबी मिलती है उसी से आप ओपन कर लेंगे। इंडिकेटर कुछ ऐसे रहते हैं हेलोजन में ही मिलेंगे प्रॉपर। और जैसे आप पीछे देखें रिफ्लेक्टर साइड बाय साइड दिए गए हैं, यहाँ भी आपको रिफ्लेक्टर मिलेंगे। पीछे आपको 220 mm की डिस्क मिल जाती है, लेकिन सिंगल चैनल ABS आता है इसमें। और पीछे आपको 130/70R17 पीछे का टायर रेडियल टायर है, तो ये रेडियल टायर रहता है काफ़ी ज़्यादा विड्थ के साथ में आता है, तो आपको एक काफ़ी अच्छी जो है रोड पे जैसा कि रेस ट्रैक परफॉर्मेंस बाइक है तो आपको पीछे की ग्रिप काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे मिलेगा। और आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाता है। अभी नोट्स इसकी जो है इसकी साउंड सुनाऊंगा आपको, काफ़ी प्यारी आपको सुनने को मिलती है। ओवरऑल जो डिज़ाइन है कुछ ऐसा रहता है जो है पूरी बाइक का, साइड प्रोफाइल से आप देखें तो धूप में चमकती हुई काफ़ी आपको जो है कह सकते हैं ना थोड़ा रिफ्लेक्शन काफ़ी आपको प्यारा लगेगा। ग्रैब हैंडल पीछे देखें तो आपको काफ़ी प्यारे से आपको जो है इसमें देखने को मिलेंगे। पीछे से आप देखें प्रॉपर इस तरीके से तो ऐसे कुछ जो है ग्रैब हैंडल रहते हैं, थोड़ा जो है मैट डार्क ग्रे शेड में आपको यहाँ पर मिलेंगे। और जो ग्राफिक्स हैं टैंक पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कुछ रेड कलर के साथ में यहाँ पे कलर थीम के साथ में यहाँ पर ऐसा डुअल टोन इफेक्ट मिलता है। इस पर भी थोड़े ब्लैक कलर के ग्राफिक्स दिए गए हैं, काफ़ी सही लग रहे हैं। 12 लीटर की इसमें जो है पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी आपको मिलेगी, यहाँ से आपको जो है फिल करवाना होगा पेट्रोल। बाकी चाबी कुछ ऐसी मिलती है पूरे लेज़र कट प्रॉपर, काफ़ी जो है कह सकते हैं जो आजकल जो चाबियां भी लग जाती है ना, जैसे आप जो है लॉक जो है अनलॉक करते रहते हैं कई टाइम बाद, जैसे कि गाड़ी पुरानी होती है तो कोई सी भी कई देखा गया है कि हीरो की बाइकों में कोई सी भी चाबी लग जाती है यहाँ पे, तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब जैसे मीटर कंसोल आपको दिखाता हूँ तो आपको ऐसा कुछ फुली डिजिटल निगेटिव डिस्प्ले वाला आपको जो है मीटर कंसोल मिलता है। और ये इसमें आपको जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फ़ीचर्स भी मिलेंगे, यहाँ से आप जो है यहाँ पेयर कर सकते हैं। अभी फ़ीचर्स बताऊँगा क्या क्या इसमें मिलते हैं। और इसमें राइडिंग मोड्स भी प्रॉपर दिए गए हैं। सबसे पहले मीटर कंसोल देख रहे हैं तो आपको जो इसमें पीछे ऊपर डिजिटल फॉर्म में ऑडोमीटर दिया गया है, ये स्पीडोमीटर रहेगा, ये आपको जो है गियर इंडिकेशन मिलेगा, ये ब्लूटूथ का साइन भी मिला गया है, पेयर आप कर सकते हैं। और ट्रिप वन आपको जो है ट्रिप टू ये सारा कुछ मिलेगा, ये जो है वॉच का हो गया, ये आपका फ्यूल का हो गया। तो यहाँ से जैसे ही आप जो है मोड चेंज कर, अभी तो ये अर्बन मोड में है जिसमें कि आपको थोड़ी जैसा कि मैंने पावर अर्बन स्पोर्ट्स रेन मोड के अकॉर्डिंग बताई थी प्रॉपर आपको बताई थी, तो अर्बन मोड में थोड़ी पावर जो है ड्रॉप होगी लेकिन माइलेज काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। जैसे ही आप इसे रेन मोड में जो है यहाँ पर स्विच करते हैं तो आपको थोड़ा ABS की जो इफेक्टिवनेस है वो थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। फिर साथ ही साथ यहाँ से जैसे ही आप जो है इसे स्पोर्ट्स मोड में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें थोड़ा पावर और जो है टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि क्या है आपको परफॉर्मेंस बाइक की काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। साथ ही साथ इसमें जो है यहाँ से जो है जैसा कि मैंने बताया यहाँ से आपको प्रॉपर ब्लूटूथ का जो है यहाँ पे जैसे कि आप पेयर करते हैं स्मार्ट एक्स जो है यहाँ पे जो है TVS का जो है कनेक्ट ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको जो फीचर्स हैं लो फ्यूल वार्निंग आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, रेस टेलीमेटी, कॉल SMS अलर्ट, लीन एंगल मोड, ये सारे कुछ जो है आपको जो है उस ऐप में से जो है यहाँ पे सामने आपको देखने को यहाँ से मिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ रहता है। और एक और चीज़ जैसा कि मैंने मोड बताया इसमें ये चीज़ें एक्स्ट्रा है, आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एक्स्ट्रा मिल रही है। और इसमें आपको जो ये इसके जो है ब्रेक हैंडल और जो है यहाँ पे क्लच जो है यहाँ पे क्लच आपको जो है यहाँ पर ये सारा एडजस्टेबल मिलता है। तीन जो है आपको तीन मोड मिलते हैं यहाँ पे अपने हाइट के जो है आपकी जो है हाथ के साइज के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं जितना भी आपके जो है ये पूरे हाथ का साइज हो, तो ये भी चीज़ इसमें एज अ फीचर्स में एड ऑन हो जाती है जो कि काफ़ी प्यारी लगती है। बाकी ये सारे जो है मोड आपको सेम टू सेम मिलेंगे, ये इंडिकेटर का हो गया, ये लो बीम हाई बीम के लिए, ये इसका पास का स्विच हो गया, और ये इसका जो है आपको इंजन किल स्विच, और ये इसका जो है इसका कह सकते हैं ये
लाइटिंग का आपको जो है DRL का प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है। और इसको जरा स्टार्ट करते हैं, फिर आपको जो है एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। तो ऐसी कुछ रहती है, तो ऐसी कुछ रहती है ये 160 जो है अपाची 4-valve जो है इंजन की साउंड जो कि आपने सुनी। तो दोस्तों ये थी अपाची की जो है यहाँ पर कह सकते हैं 164V में, 4-valve में, क्योंकि इसकी 2-valve में भी आती है, 4-valve में भी आती है। तो 4-valve वाले इंजन में काफ़ी आपको जो है परफॉर्मेंस 2-valve के कंपेरिजन में थोड़ी आपको अच्छी मिलती है। तो ये आपको जो है कह सकते हैं TVS की ओर से यहाँ पे स्पेशल एडिशन आपने ये देखा। तो कैसा लगा ये कलर आपको ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ फीचर्स भी इसमें काफ़ी मतलब ठीक ठाक दिए गए हैं जिस हिसाब से प्राइस है। तो यही थी दोस्तों आज की जो है वीडियो, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।